नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने फर्जी तरीके से परीक्षा दिलवाने वाले गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार किए। ये अभियुक्त ऑनलाइन सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाते थे और परीक्षा में आवेदक की जगह खुद के सॉल्वर बिठाकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करते थे। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने इस गैंग के कई सदस्य पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों अभियुक्त बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये दोनों अभियुक्त सरकारी नियुक्तियों जैसे दिल्ली पुलिस, आर्मी व अन्य विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। ये गैंग परीक्षा में आवेदकों की जगह खुद के सॉल्वर बिठाकर परीक्षा दिलवाते थे। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित ने पुलिस को बताया कि हमारे गैंग का लीडर दिनेश प्रजापति है, बल्लभगढ़ में मेरा जनसेवा केंद्र है। दिनेश प्रजापति परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र व अन्य फर्जी दस्तावेज मेरे पास से बनवाता था। वहीं दूसरा गिरफ्तार अभियुक्त शौर्य शर्मा ने बताया कि दिनेश प्रजापति का मामा रवि जो इनकम टैक्स में निरीक्षक है उसके माध्यम से मेरी मुलाकात दिनेश प्रजापति से हुई थी। मेरी जानकारी में जो भी तैयारी कर रहा होता था या मेरे संपर्क में आता था मैं उन्हें दिनेश प्रजापति से मिलाता था और दिनेश प्रजापति उस व्यक्ति के स्थान पर सॉल्वर को बिठाकर परीक्षा दिलवा देता और परीक्षार्थियों से लाखों रुपए वसूलता था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।